दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने दो अनुभव प्राप्त हुए हैं, एक सच्ची घटना पर आधारित है और साथ ही साथ एक ऐसा अनुभव है जिसके माध्यम से वो माता की कृपा को बता सकते हैं और भगवान राम की कृपा भी। तो इस तरह के जो अनुभव हैं लोगों को होते रहते हैं, उन्हीं में से दो अनुभव जो मैंने लिए हैं, काफ़ी दिन पहले ईमेल आई थी और आज उन पर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के अनुभव हैं और इनसे हमको क्या लाभ हो सकता है और या क्या इन सब बातों से पता चल सकता है कि किस प्रकार से जब इस तरह के अनुभव हों तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का पहला अनुभव जो है आकाश ने भेजा है और उन्होंने कहा था कि ईमेल आईडी मेरी ना दिखाएं किसी को, तो मैंने वो हटा दी है। साथ ही साथ उनके नाम के आगे की जो कास्ट है वो भी हटा दिया ताकि किसी को समझने में आसानी ही ना हो कि कौन है या कोई व्यक्ति जो स्पेशल होते हैं उनको कैसे जो है उनकी गोपनीयता बरकरार रखी जा सके। तो यहाँ पर इनकी भी गोपनीयता बरकरार रखी गई है। दूसरे अनुभव में भी हम यही चीज़ देखेंगे, तो लेकिन वहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो इसलिए वो वहाँ पर मैंने ईमेल वगैरह नहीं हटाया है उनका। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका अनुभव है आकाश जी का और क्या बताना चाहते हैं। तो इन्होंने ऊपर टाइटल दिया हुआ है सच्ची घटना पर अनुभव। तो गुरुजी, मैं आकाश फ्रॉम दिल्ली। गुरुजी श्री चरणों में मेरा प्रणाम और धर्म रहस्य चैनल को देखने वाले सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। गुरुजी ये बात 2011 की थी। मैं उस समय 16 साल का था। मेरे चाचा भगत बनने के लिए बिठाए गए थे, मतलब भगत जिस तरह बनाया जाता है उस तरह के लिए उनको जो है एक प्रक्रिया के तरह तौर पे बैठाया गया था, ये कहना चाह रहे हैं। तो चाचा 7 सालों से घर के देवताओं की सेवा कर रहे थे जिसमें हुक्का लगाना होता है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। और फिर बाहर से किसी गुरुजी को भी बुलाया गया। 2 दिनों तक चाचा को बिठा के रखा गया और खूब दारू मीट और खाना चला। 3रे दिन चाचा पर देवता खेलने लगे, यानी उन पर देवताओं की सवारी आने लगी। एक एक कर सारे देवता खेल गए और गुरुजी ने कभी सुअर कभी मुर्गा कभी बकरा की भेंट मांगते थे और हमें देनी पड़ती थी। कुछ दिनों के बाद चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर बस लेटे ही रहते थे और कभी बोलते कि सारे बोलो जय श्री राम। एक दिन तो उन्होंने हमारी एक काली मुर्गी पकड़कर उसके गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी लिया। और जब गुरुजी को फोन करा तो वो बहाना लगाने लगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर हमारे अगले ही दिन जो है वहाँ फोन कराया गया और फिर वो बहाना लगाने लगे कि ऐसा करते करते 2 दिन वो लगातार बीत गए, यानी कि वो बहाना बना रहे थे। चाचा जी की हालत बिगड़ने लगी जिसके कारण चाची को बहुत गुस्सा आया और चाची ने उनसे कहा कि अगर तूने इन्हें ठीक नहीं करा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तो उन गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया और चाचा के अंदर जो बला थी वो खेलने लगी कि देखो मेरा गुरु आ रहा है, मैं 10 तक गिनूंगा और मेरा गुरु यहाँ आ जाएगा। और फिर चाचा ने गिनती शुरू की और जैसे ही 10 बोला वैसे ही वो गुरु हमारे घर पहुँच गया। तब उस गुरु ने पूजा करने का बहाना किया और थोड़ी देर बाद बोला कि ये काम मेरे बस के बाहर है। अब हम सभी डर चुके थे कि अब हम क्या करें। उसके बाद कई भगत मौलवियों को दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। परिवार के ही सब लोगों के चेहरे पर उदासी थी कि अब क्या होगा। तब तक एक खबर पूरे ब्लॉक में फैल चुकी थी कि एक दिन बाद हमारे घर में एक व्यक्ति आए जो कि हमारे ही ब्लॉक में रहते थे और बोले कि आपको बाबा अमर सिंह पवन लेना चाहिए तभी कुछ होगा। मेरे दादाजी बोले कि ठीक है जैसा आप कहो, चलो पहले आप मुझे उन भगत जी से मिलवाओ। तो वो दोनों मिलने के लिए चले गए। कृपया करके आप मेरा जीमेल आईडी किसी को ना बताएं और आपका शिष्य अपने श्री चरणों में मेरा फिर से प्रणाम। बाकी कहानी मैं आपको 1 दिन बाद भेजूंगा। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ ये घटित हुआ और बाबा अमर सिंह पवन की कृपा को ये बताना चाह रहे हैं निश्चित रूप से, और उनकी वजह से बाद में ज़रूर वो ठीक हो गए होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है।
तो ये इन्होंने इस अनुभव में बताने की कोशिश की है। तो पहले तो मैं ये कुछ बातें क्लियर कर दूं कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं बहुत गलत होती हैं, ये अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। किसी के शरीर पर आप तामसिक शक्ति का वास करवा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया मुर्गा वगैरह खून दारू और ये सब चीज़ें, ये सीधे जो है तामसिक शक्ति का प्रतीक होती हैं। भूत प्रेत पिशाच वगैरह इस तरह की बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, उनको जो है शरीर पर बिठाया जाता है। तो वो देवता उन्हें आप कहिए तो देवता कहलाने लायक भी नहीं, क्योंकि जो इस तरह की शक्तियाँ होती हैं वो जब बुरा करती हैं तो फिर आपके लिए वो देवता कैसे हो जाए। देवता तो मैंने देवता तो यानी कि देने वाला, जो देने की कृपा करता हो उसे देवता कहा जाता है, और जो नहीं जो खुद छीन ले या किसी को फंसा दे तो वो देवता कहाँ रहा, वो तो छोटी श्रेणी हो गई। तो इस तरह की जो तामसिक शक्तियाँ हैं इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह शरीर पर कभी भी इस तरह की शक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए। और इस तरह की कार्य जो है जो भी गुरु लोग करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, उनसे ये होता है कि वो ऐसी बुरी शक्तियों को किसी के शरीर पर बुलवा लेती हैं, और उसके बाद उनका मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि शरीर में सिर्फ एक आत्मा निवास कर सकती है, कई सारी आत्माओं का निवास नहीं हो सकता है। एक आत्मा जब निवास, आपकी खुद की आत्मा जब उस शरीर में रह रही है, अगर आपने उसको छोड़ के किसी दूसरी आत्मा को भी उसके अंदर प्रवेश करा दिया या निकाल लिया, उस पर डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि उसकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि शरीर एक ही ऊर्जा को झेल सकता है, दो ऊर्जाओं को झेलने की उसकी सामर्थ्य नहीं होती है। इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या आपके लिए प्रकट हो सकती है, पैदा हो सकती है। तो इस बात को समझते हुए ही आप लोगों को काम करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए कि आप साधना पूजा कर रहे हैं और आप अपने शरीर पर अगर बुला भी रहे हैं तो उसके लिए भी अलग तरीका होता है। शुद्ध आत्माएं बुलाई जाती हैं, वो भी छोटे बच्चों के शरीरों पे ऊपर, खासतौर से कन्याओं पर बुलाना चाहिए, जिसको हम लोग हजरात सिद्धि कहते हैं। उसके लिए भी शुद्ध शक्तियों को ही प्रयोग करना चाहिए, तामसिक शक्तियों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर वो शरीर पर कब्जा कर लेंगी और आपका नुकसान होगा ही होगा, साथ में पूरे परिवार का नुकसान होगा। तो इस चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। आगे आप बता ही दोगे कि आपके साथ क्या घटित हुआ था, और उन्होंने निश्चित रूप से जो शुद्ध शक्तियाँ होती हैं वो बचा लेती हैं। तो दूसरा अनुभव लेते हैं, ये है सुभाष चंद्र पांडे जी हैं, इन्होंने भेजा है, तो चलिए पढ़ते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे है, मेरी उम्र 27 साल की है, मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हूँ। यूट्यूब में आपकी वीडियो कई महीने से देखता आ रहा हूँ गुरुजी, और ये जानकर अच्छा लगता है कि कई साधकों के अनुभव आप अपने चैनल पर डालते हैं, जिससे कि नए और जिज्ञासु साधकों को कई चीज़ों को जानने तथा उसे समझने का मौका मिलता है। गुरुजी, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, दादा परदादा के समय में पूजा पाठ में ही हमारा घर परिवार का जो है खर्चा चलता था। जब पापा जॉब में आए तो बाहर पूजा करने के लिए कम कर दिए, क्योंकि समय नहीं मिलता था। तो पापा जी को गुरुजी ने, मेरे दादाजी जो थे जिनका नाम पंडित श्री भगवत महाराज जी हैं, वो माँ भगवती दुर्गा के बड़े भक्त थे, और पापा के बताए अनुसार वो दुर्गा सप्तशती के अनुसरण करते थे, इस वजह से माँ भगवती के प्रिय थे और माँ की कृपा वो प्राप्त कर लिए थे। उनके बाद उनका जब स्वर्गवास हुआ, तो जब वो इस दुनिया से छोड़कर गए तो वो दुर्गा सप्तशती की किताब को अपने सीने से लगाए हुए थे, और इसी अवस्था में उन्होंने प्राण को त्याग दिया था। मेरे दादाजी जिनका नाम पंडित मथुरा प्रसाद पांडे जी था, वो रामचरितमानस के एक अनन्य भक्त थे और रोज रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। पापा के बताए अनुसार वो रामचरितमानस का 1000 से भी ज़्यादा बार अध्ययन किए थे, शायद इसीलिए बाबा बजरंगी उनके साथ सदैव रहते थे, उनकी उनके ऊपर कृपा रही होगी। गुरुजी, बात एक दिन की है कि जब दादाजी शाम को नदी से त्रिकाल संध्या करके घर आए, तो पापा के शरीर में से मेरे पर दादाजी आए, और जब दादाजी ने उन्हें भूत समझकर मंत्र पढ़ने लगे, तब हनुमान जी को याद किए, तब पापा के अंदर से बैठे मेरे पर दादाजी हंसने लगे और कहने लगे कि मैं तेरे लिए ही आया हूँ, क्योंकि मेरे योग्य पात्र तुम हो, और ऐसा करके दादाजी बोलने लगे। तब दादाजी ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, ना रहो, मुक्त हो जाओ करके। तब पर दादाजी ने कहा कि मुझे आपके साथ ही रहना है, घर में मंदिर में माँ दुर्गा जो हमारी कुल देवी हैं के आसन के नीचे मुझे जगह देना, ताकि मैं उनकी सेवा संपूर्ण काल तक कर सकूं। ऐसा करके फिर उसी दिन परदादाजी घर में पूजनीय हो गए। गुरुजी, बचपन से ही मैं माँ भगवती, हनुमान बाबा और हमारे बाबा श्री भगदत्त जो हैं महाराज जी के कहानी सुनते हैं और पूजा पाठ करते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। जब मैं 4th क्लास में था, तब हमारे घर वाले माँ पापा भैया दीदी सब आसाराम साधक परिवार से जुड़े हुए थे। उनके कुछ दिन बाद भैया और पापा उनसे गुरु दीक्षा लिए, उनके बाद
मैं छोटा ही था, ना गुरु के रहस्य के बारे में जानता, ना गुरु दीक्षा के बारे में। मैंने अपने माँ के कहे अनुसार उनसे गुरु दीक्षा तो ले ली, किंतु मुझे आसाराम के पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी माँ शेरोवाली और बजरंगी जी की ही पूजा किया करता था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और नवीं क्लास में जब आया तब पापा ने से जो है माँ भगवती की पूजा पाठ की विधि जानकर उनकी पूजा सेवा करने लगा। उसके बाद जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तब सप्तशती का पाठ शुरू किया। उसके बाद दोनों नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करता था। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब मैंने लगातार 5 महीने तक अर्गला और कीलक का कवच, अर्गला कीलक का इन्होंने पाठ किया और उसके बाद में फिर पढ़ने चला जाता था। गुरुजी 2017 के शारदीय नवरात्रि की बात है कि मैं नवरात्रि में अखंड दीपक जलाकर अपने पूरे 9 दिन को माँ भगवती को सौंप दिया और सुबह मैं सप्तशती का पाठ करता तो दोपहर में सुंदरकांड का पाठ करता, शाम को राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करता और रात में रामायण का पाठ करता था। इस बीच मुझे नवरात्रि के 5वें दिन में शरीर में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हुआ, फिर भी मैं पाठ करते ही गया और नवरात्रि के अंतिम दिन में पूजा रूम में सो नहीं पाया तो अपने रूम में आ गया। थोड़ी ही देर हुआ था कि मन में एक आवाज़ आई कि तू डरता क्यों है, मैं तो तेरी माँ हूँ, भला क्यों डरता है, क्या मुझे अकेले छोड़कर तू चला आया, बेटा डर मत, मेरे तेरे साथ हूँ, तेरे बहुत ही ज़्यादा जो है साथ में रहूँगी। इस तरह से मन में एक आवाज़ आई, फिर मैं पूजा रूम में गया और अच्छे से सोया। उसके बाद मैंने विसर्जन किया। उसी रात में जब सोया हुआ तो सपना देखा, सपने में देखा गुरुजी मैं किसी एक मंदिर में हूँ जहाँ दिव्य प्रकाश है और मैं लाल वस्त्र में बैठे माता का पाठ कर रहा हूँ। तभी एक छोटी सी लड़की जो बहुत ही सुंदर थी, 5 से 6 साल की छोटी बच्ची, वो मुझे मंदिर के खंभे में छुपकर देख रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैं उसे बुलाया आओ आओ यहाँ आओ करके, फिर वो मुस्कुरा ही रही थी। जब मैं पाठ से उठकर उस बच्ची की तरफ जाने लगा तो वो दौड़कर चली गई, फिर मेरी नींद खुल गई। गुरुजी मैंने आसाराम से सरस्वती मंत्र की दीक्षा लिया था जिसका मैंने कोई जप नहीं किया और मुझे पसंद भी नहीं, वो अनजान था मैं, जब मुझे दीक्षा दिलवाया गया था तो इस समय मैं उस तरह के लिए तैयार नहीं था। तो कह रहे हैं कि मैं मेरे परदादा श्री बाबा भगवत दत्त महाराज जी को गुरु मानकर उनकी पूजा करता हूँ और माँ भगवती का पाठ करता हूँ। गुरुजी आप मुझे बताइए कि मैं अपने परदादा जी को कैसे पाऊँ, मतलब कि उनकी कृपा पात्र मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। मैं दुर्गा जी के दर्शन से पहले बाबा जी का दर्शन चाहता हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें गुरुजी, सादर प्रणाम गुरुजी। तो देखिए सुभाष चंद्र जी पांडे जी, जो आपने जो कहा कि माँ की आप पाठ करते थे, बस जब भी अब की बार जब आप पाठ करें तो इसका सुधर सा हल है कि आप जब भी नवरात्रि में माँ भगवती का पाठ करें तो आपकी बात संकल्प के आधार पर करिए। संकल्प ये रखिए कि मेरे को मुझे मेरे जो परदादा जी हैं उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो और उनसे जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसका आप जो है संकल्प ले लीजिएगा और आप एक या दो नवरात्रि में ही निश्चित रूप से माँ की कृपा से आपको उनसे उनका संपर्क निश्चित रूप से स्थापित होगा परदादा जी से आपके आपके अपना, और वो निश्चित आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और बताएंगे भी कि माँ भगवती की कृपा किस तरह से और भी अच्छी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सहज सरल विधि है, आप इसी तरह से आप इस पर संकल्प ले लीजिएगा साधना पूजा पे जब आपकी बार नवरात्रि में करेंगे तो, और अगली नवरात्रि में यानी कि बसंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में इस तरह का आप संकल्प लीजिएगा कि इस बार की जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ उसमें मैं माँ भगवती की प्राप्ति के लिए पहले मैं अपने गुरु को जो है परदादा गुरु जो है मेरे उनको प्राप्त करना चाहता हूँ और उनकी मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से वो दर्शन भी देंगे आपको और आपको नजर आएंगे सपने में आपके निश्चित रूप से, और अगर आप में सच्ची श्रद्धा और बहुत ही अच्छी तपस्या करने की क्षमता है तो साक्षात दर्शन भी आपको मिल सकते हैं उनके। तो ये आज के थे 2 अनुभव, इस प्रकार से आपके जीवन में भी लाभ हो और मैं यही कामना करता हूँ बाकी लोग जो हैं इन सब अनुभवों से सीख ही रहे हैं बहुत कुछ। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।